मुरादाबाद लखनऊ रेल डिवीजन खतरनाक रेल डिवीजन होता जा रहा है। जी हाँ, महज 12 घंटे के अंदर लगातार दो रेल हादसों ने यहाँ इंतजामों और अधिकारियों की गंभीरता की पोल खोल दी है। रविवार को कटघर स्टेशन के पास उस समय हड़कंप मच गया जब लखनऊ से दिल्ली जा रही डबल डेकर ट्रेन के दो पहिए आउटर पर पटरी से उतर गए। हादसे में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही मुरादाबाद डिवीजन के सारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। वहीं शनिवार देर शाम भी मिलिट्री स्पेशल ट्रेन बरेली के पास डिलेर हो गई थी, जिससे स्थानीय रेल अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शनिवार को बरेली में धनेटा फाटक के पास उत्तरी मिलिट्री स्टेशन ट्रेन ने अभी यातायात सुचारू हो नहीं पाया था। वहीं आज सुबह कटघर आउटर पर अप लाइन पर आ रही दिल्ली लखनऊ डबल टेकर ट्रेन के दो डिब्बे डिलेर हो गए हैं। घटना में किसी भी यात्री के चोट नहीं लगी है। सूचना मिलते ही DRM तरुण प्रकाश अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल अभी रात और बचाव का काम जारी है। इनसे पूछिए कि भाई जब ये रिपेयरिंग चल रहा था भाई इसमें क्यों लाया गया? भैया क्या नाम है आपका? हाँ, राजीव अवस्थी। क्या घटना हुई है? मैं गाजियाबाद से गेट नोएडा जा रहा था, सॉरी लखनऊ से गाजियाबाद जा रहा था। मॉर्निंग में हम लोग को पता चला तो यहाँ पे सारे पहिए उतरे हुए हैं पीछे के डिब्बों के। लोग जैसा बता रहे हैं कि ये जो पटरी है, यहाँ के जो मेंटेनेंस के लोग हैं कह रहे हैं कि इसका रिपेयरिंग हो रहा था, इनको इस पटरी पे लाना चाहिए था, बट ये रिपेयर पटरी पे गाड़ी को लेकर आए और हम सबकी जान जोखिम में डाल दी। अभी ऊपर वाले की कृपा से हम सब सेफ हैं, बट अगर ये सारे डिब्बे पलट जाते तो आज यहाँ पर हजारों लोगों की डेथ हो जाती। आपके जाने की क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था? क्या नाम है सर आपका? महेंद्र चावला। हाँ चावला जी, कहाँ से आ रहे हैं? हम बरेली से आ रहे हैं। अच्छा, ये कौन से ट्रेन से आ रहे थे? ये डबल डेकर पे। अच्छा, क्या हुआ है मुरादाबाद में? मुरादाबाद से भी ऑटो पे थी लेकिन पीछे गाड़ी के पहिए उतर गए। अच्छा, मानते हैं बड़ा हादसा होने से बच गए। हाँ, बड़ा हादसा हो सकता था अगर स्पीड पे गाड़ी होती थोड़ी सी। अच्छा, ट्रेन रेलवे ने कुछ आपका व्यवस्था कराई अभी तक? नहीं, अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हुई है। अभी कितनी देर हो गई? आधा पौना घंटा हो गया। क्या मानते हैं रेलवे प्रशासन की नाकामी? मानते हैं? हाँ, ये तो है ही है, लगता तो है नाकामी है। हमारे आगे भी ट्रेन जाना था, शताब्दी दिल्ली से लेनी थी लेकिन वो अब जा नहीं पाएंगे हम। अच्छा, किस कार्य में आ रहे हैं? हम अपना बिजनेस टूर पे आए थे। राजीव मिश्रा। राजीव मिश्रा जी, कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? मैं बरेली से गाजियाबाद। अच्छा, क्या हुआ, किस जगह हादसा हुआ? बस रैली 5 मिनट पहले गाड़ी में बड़ी तेज खड़खड़ की, जैसे आप पंचर जैसे होता है गाड़ी चलती हुई गाड़ी में, उस तरीके से एकदम बड़ी तेज खड़खड़ाहट हुई और सारे लोग घड़बाग के ट्रेन के अंदर खड़े हो गए और अफरा तफरी मच गई और तब तक खैर लेकिन गाड़ी रुक गई। कौन सी ट्रेन है ये? डबल टेकर है, लखनऊ टू दिल्ली आनंद विहार। किसी की चोट तो नहीं आई? चोट किसी की नहीं है, कैजुअल्टी कोई नहीं, बस सामान अंदर से गिरने लगा इसलिए थोड़ा सा, और आवाज़ इतनी बैड साउंड हुई है कि जिससे कि लोग घबरा के, लेकिन ट्रेन रुक गई सडनली जिससे कि कोई हादसा होने से बच गया। क्या आप बता सकते हैं क्या हुआ था? पहिए बिल्कुल उतरे हुए हैं, दो पहिए तो मैंने खुद देखे हैं, जो मेरे ही कोच में F5 में था, मैं C5 में, उसके पहिए ट्रैक से पटरी से उतर के अलग। क्या रेलवे अधिकारियों ने कुछ व्यवस्था की आप लोगों के? हाँ, कुछ बता रहे हैं, यहाँ सोर तक के डब्बे जो हैं वो आगे मुरादाबाद तक जाएंगे, उसके आगे कैसे जाएंगे मुझे अभी नहीं। क्या दिखाई दी आपको? ऊपर चल रहा है उसके ऊपर गाड़ी, उसके बाद उसी से गाड़ी दिख रही है। क्या नाम है मैम आपका? मैम, क्या कहाँ जा रही थी आप ट्रेन से? क्या हादसा हुआ? तो क्या हादसा हुआ, कहाँ पर हुआ है इसमें? यहीं पे हुआ बस, हमें तो क्योंकि हमारा बोगी में तो नहीं हुआ प्रॉब्लम, बट आगे वाली दो बोगी की टायर। तो कैसे पता लगा आप लोगों? हम लोग बैठे थे तो बहुत ज़्यादा लोग इधर उधर भागे थे, हमें लगा कोई एक्सीडेंट हुआ है, फिर आगे। तो क्या स्थिति थी अंदर, मतलब जब ये घटना का पता लगा आपने? नहीं, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था, लोगों को बाद में पता चला था, धीरे धीरे करके लोग जा रहे हैं, आगे शिफ्ट हो रहे हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो रेलवे प्रशासन ने आपसे क्या कहा है इसको? अभी तो हमारी कोई बात नहीं, कोई हेल्प नहीं की यहाँ से वहाँ तक स्टेशन तक जाने से रेलवे पर, अभी उनसे कोई बात नहीं हुई, हेल्प की बात नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी हेल्प नहीं करी क्योंकि वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, बट फिर भी अभी क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो उन्हें भी मैनेज करने में टाइम। किस हिसाब से पटली, मतलब पटली पे से ये पे उतर गया था? किस सारे हाथ नीचे रहे, आईडी ऊपर नीचे कर लो। ये 125 ST ट्रेन थी, ये लखनऊ से आनंद विहार जाती है और इसके दो कोच C5 और C7 कटघर और मुरादाबाद के बीच में डेरे हो गए थे और इसमें किसी भी यात्री को कोई चोट या किसी तरह की इंजरी नहीं हुई थी और
इन सभी यात्रियों को दूसरे वैकल्पिक कोचों में शिफ्ट करके गाड़ी को यहाँ से रवाना कर दिया गया। दोबारा अब हम लोग जब यहाँ से ये एक बार कोचेस वगैरह उठा लें फिर इसको डिटेल इन्वेस्टिगेट करेंगे। सर बताया जा रहा है कि जिस ट्रैक पर गाड़ी आई है उस ट्रैक पर काम चल रहा था। देखिए ट्रैक पे काम तो हमारे मंडल में बहुत सारी जगह पर चल रहा है जी, और ट्रैक पर कार्य के दौरान जो प्रिकॉशंस ली जाती हैं वो भी साइट पर लोग लेते ही हैं। अब एक बार हम लोग कोचेस को उठा लेंगे तो इसको डिटेल में इन्वेस्टिगेट करेंगे। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।